तो गाइस हमारे इतने बुरे हालात हो चुके हैं, इतनी बहुत बारिश है, तो ये व्लॉग पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ये लास्ट में मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो पूरा देखना। ओके, तो हम लोग अभी इधर मिसल खाने रुके, खाते और आप तब तक व्लॉग देख लेना। नया दिन नई जगह, तो हम लोग अभी जा रहे घूमने, राइड पे जा रहे एक्चुअली अक्षय की अब्जी लेके। तो मैं ऐसा आया हूँ कॉलोनी से चल के, सबको लग रहा होगा कि ये ऐसा देखो मुझे, ये हेलमेट ऐसे पकड़ा है और वाइट कलर का ड्रेस, तो पूरा एयरफोर्स या नेवी वाला दिख रहा हो। तो अभी यहाँ पे वेट करता हूँ अक्षय का, अक्षय आने वाला है। वाह, ऐसी वाली गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। हाय ब्रदर, हाय। तो गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं, कुठे चाललो अपन? वाट फुटेल तिकडे बस। तो हमें भी मालूम नहीं कहाँ पे जा। ये लग गया, हे एवढं कशाला लागले 7000 वेस्ट। तो हम लोग अभी कहाँ पे जा रहे हैं मालूम नहीं, बट ठोसेगर की साइड जा रहे हैं, एंड जिधर भी जाएंगे आपको जरूर बताएंगे। चलो अभी पहले स्वप्निल के घर जाते हैं और पावर बैंक उठाते हैं। तू आमच्यात नाही सो वाईट वाटते। काय पाहिजे तुला? ए लांबरा, काय बघायचं तुला? काय बघायचं? गोप्रो कुठे आपला? गोप्रो किशात आहे। नको, आम्ही जातो, आम्ही जातो। तो अभी सीधा सातारा छोडने के बाद ही मिलते। तो अभी हम लोग इधर सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे सेटअप पूरा हो गया, ये बोगदा देख सकते हो आप। तो अभी बोगदा क्रॉस कर लिया और अक्षय ने भी अपना गोप्रो शुरू कर लिया, और मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ। आई नो मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, बट अंदर मैं माइक पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको आवाज एकदम स्मूथ आए, स्मूथ स्मूथ नहीं, स्मूथ। एंड गाइज हम यहाँ पे अभी रुके थे, यहाँ पे देखो नदी ने रौद्र रूप ले रखा है, क्योंकि ये नदी बिल्कुल इतनी सी बहती है, इतनी सी नदी का जो भी पात्र है वो देखो वहाँ से यहाँ तक आ गया है, और ये जो पेड़ वगैरह है वो पूरे पानी के नीचे गए हैं। वहाँ पे कुछ घर दिख रहे हैं मुझे, तो उसमें भी पानी घुस चुका है, ये ज़रा अच्छी बात नहीं है। और वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, क्या कर रहा है आई डोंट नो। चला शेट शेट चला। तो अभी गाड़ी गाड़ी देखो केवड़ा चिकल रहे है दूध जाना, तो इधर बैठने में मुझे दिक्कत होती है, ऐसे ऐसे पैर ऊपर डाल के बैठना पड़ता है और फिर क्रैम्प आता है। अरे हो कधी कधी येतो, कधी कधी आता नाही आला, आता मग कशी आलेला। तुझी गाडी एवढी मोठी घेऊन ठेवली आहे, आमच्या वयाच्या माणसांनी कसं करायचं रे। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ से ऐसा कुछ देखेगा तो लेफ्ट लेना, ओके? अगर हम जिधर जा रहे हैं वहाँ जाना है तो, ओके? शांताई होटल, तो यहाँ पे हम एक बार रुके थे, मतलब मेरे काका के साथ मैं बचपन में आया था, तब इधर रुका था, मुझे अभी भी मालूम है। कुण्या गावाच अल्पा करू, वाह वाह, आप मुंबई आ सकते हैं। मेरे हिसाब से 100% मुंबई आओ। तो गाइज फाइनली हम ठोसेगर की साइड ही आ गए, उरमोड़ी डैम जाना था, बट डैम तो हमने एक दो तीन ब्लॉक पहले ही देखा है डैम, तो इसलिए ठोसेगर साइड आ गए। अभी मालूम नहीं ठोसेगर का जो वाटरफॉल है वो खुला है लोगों के लिए या बंद है, बट यहाँ पे रुकने के बाद जो व्यू दिखता है वो कमाल का है। वहाँ पे अजिंक्य तारा है,
और इधर एक मंदिर है छोटा सा, ऐसे गुफा टाइप है, मतलब इतनी बड़ी नहीं, छोटी सी है, बट छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। और मैं हमेशा ऐसी पैडी फील्ड्स देखता हूँ तो बार 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 पैर में गिर जाता हूँ उसके। ये जो पूरा पहाड़ है उसमें से पानी बह रहा है, जैसे लग रहा है कि ऐसा दूध बह रहा है, ऐसे वाला फील आ रहा है। और इधर भी है देखो, छोटा सा वाटरफॉल है, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा है, दिख नहीं रहा होगा, बट मज़ा आएगा अगर मैं उसके नीचे जाऊँ। जा सकता हूँ बट यहाँ पे मोबाइल ये भीगेगा। बहुत कमाल लग रहा है, मतलब जुपिटर से सीधा FG-250 पे आने के बाद जरा कंफर्टेबल लग रहा है, ऐसे लगा ही नहीं कि यहाँ तक आ गए, नहीं तो ऐसे मेरे गाड़ी में पूरा हिलता हूँ। क्या फोटो काट ऐसे, ये उधर बैठा है, बोल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। किसकी खुशी किस में, तो किसकी खुशी किस में। ये जरा लाइन अच्छी भी है और नॉटी भी है। ये देखो पूरा कीचड़ 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 हो गया। FG गाड़ी अच्छी दिखती है बट इसकी वजह से और अच्छे दिख रहे हैं इसे। और इसने जो ये लैंप लगाया है, जला दो भाई, भाई जला दो। तो गाइस यहाँ पे खतरनाक खतरनाक वाला माहौल हो चुका है, भयंकर ठंडी लग रही है और यहाँ पे भी गोबर शुरू है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितना फॉग है और इतनी जोर की बारिश हो रही है, मैं माइक के कारण व्लॉग अच्छे से कर पा रहा हूँ, बट ये आगे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे तो डर लग रहा है कि ये कहीं पे जाके ठोक भी न दे। वाह 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 वाह, कमाल का माहौल हो चुका है। घर वाले अभी केयर कर रहे होंगे क्योंकि इतनी बारिश में आए हम, और ज़्यादा कुछ टूरिस्ट लोग वगैरह भी आए नहीं यहाँ पे। सो अभी थोड़ा लग रहा है मुझे ऑनेस्टली कि आज नहीं आना चाहिए था, जरा बारिश कम होने के बाद आना चाहिए था, बट हम नहीं मानते, डर के आगे मौत है। तो अभी मालूम नहीं यहाँ पे छोड़ते कि नहीं, हम कहाँ पे आ गए हमें मालूम नहीं है, वाटरफॉल कहाँ पे है मालूम नहीं। बढ़िया, ये वाला एंगल बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका जो नियॉन कलर का हेलमेट है बहुत प्यारा लग रहा है। मैं इसे कैमरा पकड़ने के बाद इधर से पानी अंदर जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, जितना रेनकोट वगैरह पैक करके भी पानी कहाँ कहीं से ना कहीं अंदर जा ही रहा है, मतलब नहीं जाना चाहिए उधर भी जा रहा है। ओ कुत्ता बाबू, चलो मौसी अच्छा लगा का। और जो राइस फील्ड्स है वो पूरी तरीके से उसमें पानी भर गया है, सो और भी प्यारा लग रहा है, और वैसे भी राइस को पानी चाहिए ही होता है, सो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। शेट भी नहीं वालों, और कपड़े का अला शेट, अभी मेरे शूज़ में भी पानी जाना शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, मैं कुछ भी बकबक कर रहा हूँ नो। अभी मेरी कैमरे की बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग भिजले ऐसे ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। तो गाइज हम लोग यहाँ पे रुके थे बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद है गेट, कहाँ पे गया गेट, तो गेट बंद है और आगे नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड लागला रे पहला ले वैसा कर लेता बोलो ठोसे कर, अभी पानी वगैरह अच्छा रहेगा बट कोई बात नहीं, आगे थोड़ी एक स्पॉट है, वहाँ पे जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि वो स्पॉट कौन सा है, और हम इसके पहले भी वहाँ आ चुके हैं, तो चलो चलो चलो, और इसकी गाड़ी धोनी है तो वहाँ पे गाड़ी भी धो सकते। तो ये स्पॉट देख के तो आपको 100% समझ में आया होगा कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। नहीं समझा, सचमुच हमने यहाँ पे यहाँ एग्जैक्ट उस पेड़ के नीचे बर्थडे मेरा सेलिब्रेट किया था, तब एक्चुअली पानी बहुत कम था, वहाँ तक पानी था, बट आप देख सकते हो अब यहाँ तक पानी है। अक्षय की बाइक जो है उसको धोनी है, इसलिए हमने अंदर थोड़ी सी बाइक लाई है और धो रहे हैं। पानी का फोर्स देख सकते हो, अगर गलती से भी एक आधा इंसान वहाँ तक गया ना
डेयरिंग करने को फोकट, वो बह जाएगा सीधा। और यार सब सब लोग आने चाहिए थे क्योंकि यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया था एंड ऐसा मेमोरीज ब्रिंग बैक वाला फीलिंग आता, बट कोई सीन नहीं। अभी हम धो रहे गाड़ी। ओहो क्या लग रही है गाड़ी भाई साहब। मेरे जूते वाटरप्रूफ है, अभी तक इतना पानी नहीं गया था बट अब पूरा गया। अक्षय तुला कैसा वाटते? एक नंबर। देखो भाई क्या गाड़ी पे कितना प्यार है, गाड़ी धोने के लिए हम इतने दूर आए, 25 किलोमीटर गाड़ी चलाए कोई सीन नहीं। और वो मग्गा भी लेके आया, देखो हम पूरी तैयारी में घूमते हैं। ओके तो एग्जैक्टली वहाँ पे अक्षय गाड़ी धो रहा है और इधर एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से इतना आवाज खतरनाक वाला आ रहा है, आपको शायद नहीं आ रहा होगा, ये पानी का फोर्स आप फील कर सकते हो, पूरा पहाड़ से ऊपर से पानी बह के आता है और इसलिए इतना फोर्सफुली है। और गाइस आपको इस व्लॉग में मेरा चेहरा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अंदर माइक छुपा रखा है और आपको वॉइस अच्छा ही आना चाहिए। मैं वियर्ड दिख रहा हूँ, आई नो कोई बात नहीं, मतलब शायद पुराना वाला ब्रिज यहाँ से रहेगा और जो अभी अभी बना है वो वहाँ से है, तो ये पानी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ढोसे घर को ही जाके मिलता होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, मालूम नहीं। तो गाइज हम आपके सामने जूते निकालते हैं। ओके इसमें पानी देखो, मूवी लग रहा है। तो कोई भी ढोसे घर अगर आते दिनों में आ रहा है तो मत आना क्योंकि यहाँ पे बंद है, अंदर नहीं छोड़ते। अगर आपको ये सारा व्यू देखना है तो ज़रूर आना, यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, यहाँ पे ज़रूर आना एंड और खा पी के घर जा सकते हो। अक्षय शेड मिसल खाओ, खतरनाक बाहर बारिश, खतरनाक सीन और अंदर मिसल। मैं कैमरा बंद कर दूँ, ब्लॉग ख़त्म, मिलते कल।